हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि CSC ID से जो 1-1 हजार रुपया डेबिट हुआ है वो किस कारण से हुआ है, और किसी किसी का ज़्यादा भी डेबिट हुआ है। किसी का 5 हजार, किसी का 7 हजार, किसी का 200, किसी का 250, इस तरीके से डेबिट हुआ है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से उसको रिकवर करना है, या फिर वो रिकवर होगा भी या नहीं होगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। और वो कहाँ उसका जानकारी मिलेगा, किस तरीके से हम अपना CSC ID में चेक कर सकते हैं कि हमारा डेबिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ और न्यूज़ CSC से अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पर CSC ID को मैं लॉगिन कर चुका हूँ। इसके बाद आपको आना है पासबुक के नीचे, देखिए लेजर है, वॉलेट लेजर, इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी CSC का लेखा जोखा है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पास ऊपर में ही दिखेगा, अभी मेरा नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा नहीं कटा है और बहुत से लोगों का कटा हुआ है, और मेरा कटा भी है तो कम कटा है और इससे पहले ही कट चुका है, उसका मैं हिस्ट्री डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपका ऊपर में ही दिखेगा 1 हजार रुपया आपका DR यानी डेबिट हो चुका है। तो उसको आपको चेक यहाँ पर से पता चल जाएगा कि 1 हजार रुपया आपका कट गया है। और दूसरा जो ऑप्शन है आपका, ये यहाँ है आपको डिजी पे में आइए, आपको पासबुक में जाना है। सीधा सा लॉगिन करने के बाद आपको पासबुक में जाने के बाद आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ ई श्रम है, ये वाला ई श्रम कमीशन, ठीक है, इसी में आपका 1 हजार रुपया का रिकवर किया गया है। तो किस कारण से किया गया है अब मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। इसलिए किया गया है क्योंकि अभी जहाँ तक जानकारी मिला है मेरे को CSC की तरफ से कि किसी कारणवश ऑपरेटर के या सर्वर की प्रॉब्लम से आप सभी के CSC वॉलेट में या फिर CSC का लेजर अकाउंट में आपका पैसा अधिक आ चुका था। किसी का 1 हजार, किसी का 2 हजार, किसी का 20 हजार भी एक्स्ट्रा पैसा जो कि आपका क्रेडिट हो चुका था, तो उसलिए उसको रिकवर किया जा रहा है। ये CSC की तरफ से नोटिफिकेशन जो मिला है मैं उसको बता रहा हूँ। अब आपको चेक किस तरीके से करना है कि आपका कटा भी है या नहीं कटा है, और कटा है तो कितना कटा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके टेलीग्राम में नहीं आया होगा तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये पूरे भारत का जितना भी CSC ID है सभी का ये लेखा जोखा है और सभी का कितना का इतना अमाउंट कटा है यहाँ पास आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CSC ID, ये आपका CSC ID है, और यहाँ वॉलेट वॉलेट AC अकाउंट, ठीक है, ये वॉलेट अकाउंट में। अब यहाँ रिकवरी अमाउंट जो दिखा है, रिकवरी अमाउंट, इसको मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा सा आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है रिकवरी अमाउंट यहाँ पास इस तरीके से। इसके बाद आपको सीधा अपने CSC ID के जस्ट सामने देखिएगा, इस बंदा का आपको 420 रुपया है, ठीक है, 420 रुपया उसका रिकवरी बैलेंस है। लेकिन यहाँ पास देखिए दूसरे नंबर पे 10,635 रुपया भी रिकवरी बैलेंस है, यहाँ पास देख लीजिए किसी का 12 रुपया भी है, इसी तरीके का है। अब आप खुद से अपना चेक कर सकते हो कि किस आपका कितना अमाउंट रिकवरी आपको देना है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आपको ये जो डेटा है ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का भी जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैं लिंक इसका डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आपको फाइंड करने का तरीका अगर मालूम नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ कोना में देखिए, ये आपको राइट साइड में ऊपर में देखिए फाइंड दिखा है, इसमें आपको जाना है यहाँ पे और एक बार क्लिक करना है, और नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा, इसमें फाइंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना CSC ID डालना है, और यहाँ पे फाइंड ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका CSC ID इस तरीके से आपको सेलेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं बताऊँगा आपको कि इस पैसे को आखिर रिकवर आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दूसरा अपडेट आने तक आपको बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।